हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूनिक मैथ्स में। तो आज मैं आपके सामने रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस ऐसे लेके आया हूँ जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये है, ये मिसिंग नंबर, ये लुप्त संख्या कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ आपको तीन फिक्चर दिख रहा है, 1, 2 और ये 3। अब आपको फाइंड करना है, ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन कैसे आया। आपको अगर ये पता चल जाए तो हम लोग क्या, ये भी हमारा कैसे आएगा उसी प्रोसेस में हम लोग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ दिया हुआ है 93, 27, 63 और ये 3। तो अब ये 93 से अगर आप, ये हमें फाइंड करना है, अगर ये 93 से अगर 63 को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये 3 कैंसिल यानी 0, 9 से 6 गया यानी 30। और अब अगर इस 27 को भी अगर हम लोग यहाँ माइनस कर दें तो ये आपका 3 आ रहा है। यानी ऐसा आपको लेना है, या प्लस या माइनस ऐसा कुछ करना है, या फिर डिवाइड या इनटू, जो आपको क्या है कि जो फाइंड करना है वो आपको मिल जाए। तो मुझे ये मिला, ये प्रोसेस हो भी सकता है, ये करेक्ट नहीं भी हो सकता, आगे हम लोग देखते हैं, क्योंकि ये भी आपको चेक करना होगा। अगर ये भी अगर प्रोसेस अगर करेक्ट होगा तभी हम लोग क्या करेंगे, मेरा आंसर होगा। तो यहाँ चेक करते हैं इसको। अब यहाँ दिया हुआ है 79, यहाँ हम लोग क्या किए, तीनों को माइनस किए इससे। तो यहाँ बड़ा नंबर ये आपका 79, इससे फटाफट इसको क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। ये कितना हो गया, ये आपका 2 होगा और ये हो गया 42। अब 42 से 38 अगर माइनस करोगे तो ये आंसर होगा 4, यानी ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, अब ये दिया हुआ है आपका 67 से भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको माइनस करते हैं। तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया आपका 2, 26 और ये हो गया आपका 9। अगर माइनस करोगे तो आंसर हो गया मेरा ये 9। तो इस तरह से आप, सबसे पहले आपको प्रोसेस आपको जानना होगा, उसके बाद विद इन सेकेंड आप फटाफट क्या करोगे, उसको माइनस या प्लस जो भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया हुआ आपको फाइंड, सबसे पहले क्या करना है कि फाइंड ये और बॉक्स के अंदर जो है इससे हम लोग फाइंड करना है। तो ये आपको चेक करना है कि ये 5 कैसे आया। तो 5, तो अब अगर आप इंटू करते हो या फिर प्लस करके हम लोग देखते हैं, ये 14, 4, 18, ये बड़ा ही होगा 18। अब 18 और 7 अगर ये प्लस करते हो तो 25। यहाँ तक आपको अगर ये बाहर वाले नंबर को सब फटाफट हम लोग प्लस करके चेक किए तो ये आपको 25 का 5 का कुछ रिलेशन हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है या मल्टीपल हो सकता है, देखते हैं आगे। हम लोग इसको भी चेक करते हैं। तो ये 12, 8, 20, बीच में नो करोगे तो ये हो गया आपका 29, और 29 में 7 करोगे तो ये हो गया 36। यानी 36 यानी अगेन ये 6 यानी स्क्वायर रूट है, यानी अब इसका रूट हम लोग लगा दिए हैं तो आपको पता चल रहा है। तो नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्या होगा, ये 10, 9, 19 हो गया, 19 से और ये हम लोग ये करेंगे तो ये हो गया 35। अब 14 को ऐड करेंगे तो ये हो गया 49। तो 49 आपको पता है कि स्क्वायर रूट कितने के होते हैं, 7 का होता है, तो ये आंसर हो गया आपका 7। तो इसी तरह से आपको ये फाइंड करना है विद इन सेकेंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दिया हुआ एक फिगर, ये एक फिगर है, ये एक फिगर है, तीन फिगर आपके सामने है और फिगर में आपको ये वाला पोर्शन आपको फाइंड करने बोल रहा है। तो ये कैसे आया, ये आपको निकालना होगा पहले और ये निकालना होगा। अगर एक ही प्रोसेस से दोनों आपको मिल जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, सेम प्रोसेस से हम आंसर निकालेंगे। तो ये 28, अगर आप 3 का क्यूब करते हो तो 3 का क्यूब 27, 27 में हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो 29 नहीं होगा, यानी ये प्रोसेस फेल। और स्क्वायर करते हैं तो ये 9 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, ये भी प्रोसेस फेल। यहाँ अगर हम लोग चेक करते हैं तो ये भी स्क्वायर कर लोगे या फिर क्यूब करोगे तो 50 आने वाला नहीं है। अब इसमें तो फिर, अब इस तरह के क्वेश्चंस में अगर जब प्रोसेस फेल हो जाए तो आपको क्या करना होगा, रीजनिंग लगाना होगा यानी लॉजिक लगाना होगा। वो लॉजिक क्या है, अब यहाँ देखते हैं हम लोग। 23 डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हो, 23 इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो, 45। अब ये 23 में क्या ऐड करोगे जो 28 हो जाए, 5, तो यहाँ भी आपको 5 करना होगा। ये देखोगे आप सेटिस्फाइड है तो हाँ ये सेटिस्फाइड है, 23 प्लस 5 यानी 28 है, तो 45 प्लस 5 यानी 50 है, यानी ये एक लॉजिक है, इसी तरह से आपको करना है। तो ये आपका हो गया 35, देन प्लस 5 यानी हो गया आंसर 40। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 40। कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अभी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको फाइंड करना है। तो ये आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि ये अगर फाइंड करना है तो यहाँ जो दिख रहा है आपको 84, 216, 900, ये कैसे आया। तो हम लोग कॉलम वाइज ही करेंगे, तो कॉलम वाइज करेंगे तो इन तीनों नंबर को तो हम प्लस माइनस करके ला नहीं सकते 84, तो तीनों को इंटू करके चेक करते हैं हम लोग। तो 7 को 6 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 42, 42 को 2 से इंटू करेंगे तो 84, यानी तीनों नंबर का ये क्या हो रहा है, मल्टीपल। तो उसी तरह से अगर आप 8 को 9 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 8, 9 जा 72, और 72 को और 3 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 216। तो अब यहाँ चेक करते हैं हम लोग, हमें लाना है ये आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी इन तीनों को मल्टी अप्लाई करने के बाद ये आंसर है।
यानी 900 डिवाइड बाय 5 और 6 से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आंसर है, तो 5 6 जो 30, 0 0 कैंसिल, यानी गया 30, यानी आंसर हो गया आपका ये वाला 30। अब ये तीनों को इंटू करोगे, 5 3 जो 15, 15 6 जाएंगे 90 और ये एक 0 यानी 900। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये पोर्शन दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और नेक्स्ट आपको दिया हुआ है ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है और ये एक पार्ट है, क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है, तो ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा, ये मिडिल वाला यहाँ फाइंड करना है, तो ये कैसे आया और ये कैसे आया। तो 18 और 17 को अगर हम लोग प्लस माइनस करके चेक करते हैं, तो अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो 18 और ये 17 को प्लस करोगे तो ये 35। अब 38 लाने के लिए आपको 3 चाहिए, तो ये 3 फिर कैसे आएगा, तो यहाँ है 9 और 6, अगर इन दोनों को माइनस कर दूँ तो मुझे 3 मिलेगा, और इन दोनों को प्लस करने से 38 आपको मिलेगा। तो ये सेम प्रोसेस नेक्स्ट वाला भी अगर फॉलो होगा तभी हम लोग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ है आपका 11, ये हो गया 22। देन उसके बाद प्लस क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग किए थे यहाँ पे, तो सेम प्रोसेस करेंगे, तो यहाँ हो गया 10, यानी हो गया प्लस करोगे तो 32। तो नेक्स्ट सेम प्रोसेस अब हमारा आंसर होगा, तो ये हो गया 12, 8, 20 हो गया, और उसके बाद इसमें से 20 से 9 गया तो आपका 11, सो प्लस करोगे तो ये हो गया 31, तो आंसर हो गया आपका 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चंस को हमें फाइंड क्या करना है, ये पोर्शन फाइंड करना है। तो ये पोर्शन आपको जब फाइंड करना है तो यहाँ देखोगे 51 और 39 ये कैसे आया। तो सबसे पहले जो 51 आया है, अब इस 51 को अब हम लोग चेक करेंगे। अब ये जो चारों पार्ट जो बाहर दिख रहा है, चारों नंबर जो बाहर की तरफ दिख रहा है, ये चारों नंबर को हम लोग लेके क्या करेंगे, 51 लाने की कोशिश करेंगे। तो अब इंटू करते हैं इसको, तो 7 को अगर हम लोग 5 से इंटू करते हैं, 7 5 35, और 4 को 4 से इंटू करते हैं 16, और ये हो गया 11 और ये 51, ये हो रहा है। लेकिन अब ये चेक करते हैं यहाँ भी हो रहा है कि नहीं, 6 5 30, देन प्लस 3 3 9, यानी हो गया 39। तो अब यहाँ पे आपका 7 5 35, देन प्लस 4 2 8, ये हो गया आपका 43, यानी आंसर हो गया 43। तो इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आज जो आपके सामने करवाया, ये ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम्स पूछे गए हैं। ऐसा क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, ताकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी मज़ेदार सवाल और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ फिर हम लोग मिलेंगे।